बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूपा गांगुली बीजेपी सांसद हैं, जो कि इस वक्त संसद के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। अपने हाथ में कई प्ले कार्ड लेकर पहुंची हैं रूपा गांगुली और संसद परिसर में रूपा गांगुली प्रदर्शन कर रही हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां रवि किशन ने संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाया और अब बीजेपी की ही सांसद रूपा गांगुली ने भी अपना धरना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, यौन शोषण के मामले पर प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन कर रही हैं इस वक्त रूपा गांगुली, गांधी प्रतिमा के सामने विरोध जताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां इस वक्त सांसद रूपा गांगुली ने भी अब अपना प्रदर्शन शुरू किया और बताया जा रहा है कि हाथ में कई प्ले कार्ड लेकर इस वक्त रूपा गांगुली संसद परिसर में महात्मा गांधी की तस्वीर के नीचे खड़ी हुई हैं और वे लगातार कह रही हैं कि इस मामले पर आवाज सुनी जानी चाहिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बीजेपी सांसद हैं रूपा गांगुली, जिन्होंने रवि किशन के बयान का समर्थन किया है और इस वक्त गांधी प्रतिमा के नीचे वे कई प्ले कार्ड लेकर मौजूद हैं और वे कह रही हैं कि बालिकाओं का, महिलाओं का यौन शोषण बंद हो, और ड्रग्स का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। तो अब बीजेपी लगातार बॉलीवुड के अंदर उपजे ऐसे मुद्दों को संसद में उठा रही है, जिसमें रवि किशन ने मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन अब रवि किशन के द्वारा जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं, उस पर रूपा गांगुली भी एक्टिव हो गई हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूपा गांगुली ने समर्थन किया है रवि किशन के उस बयान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मसले पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की भी क्या मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मसले को संसद के अंदर और संसद के बाहर उठाया जा रहा है, और एक तरफ अनुराग कश्यप पर शाम 7 बजे पायल घोष ओशीपारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज कराएंगी। बताया ये भी गया कि महिला आयोग से भी शिकायत कर सकती हैं पायल घोष। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां बॉलीवुड के अंदर पायल घोष है जो कि अनुराग कश्यप के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, रवि किशन है लोकसभा के अंदर जिन्होंने यौन शोषण का मामला उठाया, और संसद के बाहर मौजूद है रूपा गांगुली, जो कि ड्रग्स के मुद्दे पर और यौन शोषण के मुद्दे पर एक्टिव है और अपने हाथ में कई प्ले कार्ड लेकर इस वक्त गांधी प्रतिमा के नीचे खड़ी हुई हैं, और उनका ये कहना है कि इन दोनों ही मुद्दों पर जांच होनी चाहिए, कानून बनने चाहिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रूपा गांगुली इस वक्त सांसद, बीजेपी की सांसद है रूपा गांगुली, और वो पूरा मोर्चा खोले हुए हैं अब बॉलीवुड के अंदर मी टू के आरोपों को लेकर, और साथ ही कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रवि किशन ने, आपको बता दें कि कल देर रात 1 बजे तक संसद के अंदर कार्रवाई चली थी, और उसी समय रवि किशन ने यौन शोषण का मुद्दा उठाया संसद के अंदर। उन्होंने कहा कि हमारे बॉलीवुड में या सभी जगह महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, और इसके बाद अब ये खबर मिल रही है कि रूपा गांगुली बीजेपी सांसद, वो भी हाथ में प्ले कार्ड लिए खड़ी है इस वक्त संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अब अनुराग कश्यप की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गांधी प्रतिमा के नीचे खड़ी हुई हैं इस वक्त रूपा गांगुली, और रूपा गांगुली की तरफ से ये मांग की गई है कि इस बीच को जरूर कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। तो इस वक्त की ये अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां संसद के अंदर हंगामा हुआ, संसद के अंदर अपनी बात रखी, लेकिन अब पायल घोष के जो आरोप लगे हैं अनुराग कश्यप पर इस मामले को, हालांकि डायरेक्ट सीधे तौर पर रवि किशन ने नाम नहीं लिया अनुराग कश्यप का, लेकिन उन्होंने मुद्दा उठाया है यौन शोषण का। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, और रवि किशन को साथ मिला है अब रूपा गांगुली का भी। तो रूपा गांगुली भी इस वक्त संसद में इस मसले को बड़ा करने और इस पर चर्चा करने की मांग को लेकर ये एक बड़ी अपनी कोशिश में है, जहां वे विरोध कर रही हैं। इस वक्त की ये अहम खबर, जहां राज्यसभा लोकसभा में कई ऐसे मुद्दे बॉलीवुड से जुड़े रहे हैं, जिससे कि काफी हंगामा हुआ है, कई सुर्खियां बनी हैं, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि पायल घोष ने जो आरोप लगाए हैं अनुराग कश्यप पर मी टू के यौन शोषण के, वो मुद्दा अब संसद के अंदर भी गूंज रहा है और संसद के बाहर भी, जहां इस वक्त गांधी प्रतिमा के नीचे खड़ी हुई हैं रूपा गांगुली, और रूपा गांगुली का
ये कहना है कि इस मसले पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और एक ऐसा सख्त कानून होना चाहिए जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, चाहे ड्रग्स का मामला है या फिर लगातार हो रहे कास्टिंग काउच का। तो ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और ये बताया जा रहा है कि इस मसले पर अब अनुराग कश्यप पर केस भी दर्ज होने वाला है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, हालांकि अनुराग कश्यप के साथ काफी सपोर्ट भी है बॉलीवुड के भीतर ही। बॉलीवुड अभिनेत्री राधिका आप्टे ने भी कहा है कि तुम्हारे साथ हमेशा मैंने सुरक्षित महसूस किया है। तो इसी तरह के कई सपोर्ट में बयान आ रहे हैं अनुराग कश्यप के, लेकिन अनुराग कश्यप की मुश्किलें अब बढ़ सकती है क्योंकि इस पूरे मामले को नेशनल बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रवि किशन के इस बयान पर काफी ये भी माना जा रहा है कि रवि किशन को लेकर जो अनुराग कश्यप ने पहले बयान दिया था उससे झल्लाए हुए हैं रवि किशन। इसी वजह से उन्होंने संसद में अनुराग कश्यप के इस मुद्दे को उठाया है और एक बड़ी साजिश इसे करार दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर आपको दे रही है। संसद के अंदर जहां किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू हुआ था, लेकिन रवि किशन के इस मुद्दे उठाने पर भी अब हंगामा कम नहीं है। रवि किशन ने कल रात ये मामला उठाया था संसद में। रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं और उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। यौन शोषण के जो आरोप लग रहे हैं इससे महिलाओं के लिए एक खतरे की स्थिति है, इस वजह से इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन अब ये जानकारी कि इस मामले पर रूपा गांगुली भी काफी एक्टिव हैं, तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अनुराग कश्यप को लेकर, जहां अनुराग कश्यप ने कहा कि दिशा सालियान का केस दबाया जा रहा है। तो ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां रूपा गांगुली ने संसद के अंदर प्रदर्शन के दौरान बयान भी दिया है और उन्होंने दिशा सालियान के केस का मुद्दा भी उठाया है। तो रूपा गांगुली एक तरफ यौन शोषण और ड्रग्स मामले के साथ साथ दिशा सालियान के मुद्दे पर भी एक्टिव हैं। उन्होंने कहा कि दिशा सालियान का खुदकुशी का मामला भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़ा हुआ है। गांधी प्रतिमा के सामने विरोध जताया है रूपा गांगुली ने और साथ ही दिशा सालियान के मुद्दे पर कहा कि जानबूझकर उसके मुद्दे को दबाया जा रहा है। नई लड़कियों के साथ बॉलीवुड में बुरा व्यवहार होता है, ये कहना है रूपा गांगुली का। उन्होंने कहा कि दिशा सालियान का केस भी दबाया जा रहा है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं उनके बयान से जुड़ी, उनके प्रदर्शन से जुड़ी हुई कुछ अहम बिंदु हैं जिन पर इस वक्त जानकारी आपको दे रहे हैं। रूपा गांगुली बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने दिशा सालियान का मुद्दा उठाया, कहा कि दिशा सालियान के केस को दबाया जा रहा है और साथ ही ये भी कहा है कि जहां लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले पर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां गांधी प्रतिमा के सामने विरोध जताया है रूपा गांगुली ने। तो इस बीच ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दिशा सालियान को लेकर कहा है कि दिशा सालियान का मुद्दा भी दबाया जा रहा है। तो साफ तौर पर यहां घेरने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार को लेकर भी की गई, क्योंकि कहा गया है कि इस मामले पर पूरी तरह से जांच शुरुआत में दिशा सालियान की खुदकुशी के मुद्दे को इसलिए दबाया गया क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इस पर नहीं चाहती थी कि कुछ राज खुले, और इसी वजह से दिशा सालियान का मुद्दा अगर खुलता है और उस पर सही जांच होती है तो एक बड़ा इनपुट होगा जो कि सुशांत केस से जुड़ा मिलेगा। आपको बता दें कि दिशा सालियान की खुदकुशी के मसले पर भी इस वक्त सीबीआई ही जांच कर रही है। पहले सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए केस पर सीबीआई की जांच बैठी और अब जहां दिशा सालियान का केस भी सीबीआई के हाथ ही है।